मध्य प्रदेश हथकरघा निगम के द्वारा नीमच के गोमाबाई रोड स्थित लैंडेन भवन पर बीते 1 फरवरी से हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले के प्रभारी दिलीप सोनी ने जानकारी देते हुए बुधवार दोपहर को बताया कि मेले का आयोजन 1 फरवरी से किया जा रहा है। अब शेष 4 दिन बचे हैं और इनमें शहर वासियों से अपील है कि वे अधिक से अधिक हस्तशिल्प और कलाकृतियों का संग्रह अपने घर में करने के उद्देश्य से खरीदारी करें, साथ ही कलाकारों को भी प्रेरित करें। हालांकि मेले में बड़ी संख्या में कला प्रेमी अंतिम दौर तक जुटे रहे, उम्मीद है कि मेले का आयोजन सफल रहेगा। नीमच में अग्रवा भवन गोमादेवी के सामने 13 दिवसीय हस्तशिल्प मेला लगाया गया है। ये हमारा 15वां साल है नीमच में लगातार आने का। इसमें हमने प्रदेश भर के 50 से ज़्यादा बुनकर और शिल्पी बुलाए हैं जो अपनी शिल्प कला को नीमच से कला प्रेमी जनता को बताते हैं कि लोग क्या बना रहे हैं। यह जो सामान बना है ये सब हाथ से बना हुआ है, इसके बारे में मशीन का उपयोग नहीं किया गया है। 13 दिवसीय हस्तशिल्प मेले में आज 9वां दिन है। 9 दिन में काफ़ी अच्छा हमको रिस्पॉन्स मिला, कला नीमच के अंदर काफ़ी सहयोग किया है। इसमें हम लोग दूधी का है, इंदौर से है, भोपाल से है, खंडवा से है, लखनऊ से है, ग्वालियर से है, जबलपुर से है, भेड़ाघाट से है, इन तमाम जगह से हस्तशिल्पी आए हैं जो अपना सामान यहाँ पर ला के बेच रहे हैं, जिन अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं नीमच जनता से अनुरोध करूँगा अंतिम 4 दिनों में इन आकर यहाँ पर इनका प्रोत्साहन काफ़ी बढ़ा है।